तो बच्चों, जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास सभी ऑब्जेक्ट्स इन तीन प्रकार की ही गति करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा मूवमेंट हो। सोचिए, क्या एग्जाम्पल ऐसा कोई आपको दिखाई देता है जहां ऑब्जेक्ट सरल रेखा के अनुदेश या वर्तुल या आवर्ती के साथ साथ कॉम्बिनेशन में गति कर रहा हो। ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार। अगर हम कार को देखें, यहां पर कार सरल रेखा के अनुदेश गति कर रही है, साथ ही जो इसका पहिया है यह वर्तुल रेखा में गति कर रहा है। देखिए ध्यान से, तो कार में हमें दोनों मूवमेंट दिखती हैं। इसी तरह से जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी गति वर्तुल के साथ साथ आवर्ती भी है, क्योंकि हर 365 दिन के बाद दोबारा से वो गति रिपीट होती है। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप अपने घरों में सिलाई मशीन की सुई को देखेंगे। सिलाई मशीन जब चलती है तो उसका पहिया वर्तुल गति में घूमता है, लेकिन जो सुई है वो ऊपर नीचे आवर्ती गति करती है। जैसे कि इसमें देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो पहिया है मशीन का वो वर्तुल गति कर रहा है, लेकिन जब कपड़े को सिला जाता है तब उस समय जो मशीन की सुई है वो आवर्ती गति करती है। जैसे यहाँ देखिए, सुई जो है वो बार बार ऊपर नीचे हो रही है, और सुई का बार बार ऊपर नीचे होना आवर्ती गति को दिखाता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 गति एवं दूरियों का मापन कंप्लीट हुआ। आई एम श्योर ये चैप्टर आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा और बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि गति के प्रकार कौन कौन से हैं और दूरियों को किस तरह से मापा जाता है। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।